Hello friends, welcome to Always Rise. Thank you for your support for your previous video. प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी जो कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आई होप कि आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा. तो प्रीवियस वीडियो में हमने जैसे कि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था. अकॉर्डिंग टू दैट हमें ये पता चला था कि किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और फिर उसके बाद हमने जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट किया था. तो जियोमॉर्फोलॉजी में हमने ये तीन पार्ट डिवाइड किए थे, थियोरीज, लैंडफॉर्म एंड करेंट. तो हमने ये बोला था कि या तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंट थियोरीज स्टार्ट करेंगे या लैंडफॉर्म्स. तो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि पहले थियोरीज पढ़ा दिया जाए, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है. तो हम यहाँ पे थियोरी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले थियोरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थियोरी और इन दोनों के बीच जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे. तो सबसे पहले थियोरी है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी, ये दी थी वेग्नर ने इन 1912. अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मीन्स कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, अपार्ट हुए हैं एक दूसरे से. तो इन अकॉर्डिंग टू वेग्नर इन्होंने ये बोला था कि पहले कभी ये सारे कॉन्टिनेंट्स, अगर हम वर्ल्ड का मैप देखेंगे एट प्रेजेंट, तो जो बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स हैं अगर हम उनको एक साथ रख देंगे तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे में फिट हो जाएंगे. तो इनका यही मानना था कि कभी ना कभी ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ रहे थे और इनको नाम दिया था इन्होंने पैंजिया. फिर उसके बाद धीरे धीरे एज टाइम पासेस तो ये धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हुए और ये ट्रैवल करना शुरू हुए एक जगह से दूसरी जगह. जैसे कि आप ये देख सकते हैं बीच में अब यहाँ पे गैप आने लगा, पहले यहाँ पे गैप नहीं था, ये पूरे इंटैक्ट थे, अभी यहाँ पे ये गैप आना शुरू हो गया. ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से अपार्ट होने लगे. तो इनकी यही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की कैसे धीरे धीरे ये अपार्ट होते चले गए और एट प्रेजेंट हमारा वर्ल्ड कैसे देख पाए. तो वेग्नर ने इस थ्योरी को फेवर करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, उनको हम देख लेते हैं. तो सबसे पहला इनका था एविडेंस इन फेवर ऑफ दिस थियोरी फिट टू कॉन्टिनेंट. मीन्स अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ रख दें तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से फिट हो जाएंगे. दैट मीन्स अगर हम साउथ अमेरिका और अफ्रीका को देखें, अगर हम उनको साथ में ले आएंगे तो वो ऐसे करके इंटैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे में. ठीक है, तो ये होता है फिट टू कॉन्टिनेंट. नेक्स्ट है आपका फॉसिल एविडेंसेस. फॉसिल एविडेंसेस मतलब जो फॉसिल यहां पे मिल रहे हैं वही फॉसिल्स यहां पे भी मिल रहे हैं. मतलब ये हमारे एक्सकवेशन में पता चला है कि ये फॉसिल्स जो है वो सेम एज के हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कभी ना कभी लैंड्स एक साथ रहे होंगे, इसीलिए इनके फॉसिल्स रिमेन्स अभी सेम मिल रहे हैं हमें. नेक्स्ट है हमारा, और इससे क्वेश्चन भी आया है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आपका रॉक टाइप, जैसे कि फॉसिल रिमेन्स हमारे सेम हैं, वैसे ही रॉक टाइप्स मतलब जो रॉक्स यहाँ पे मिल रहे हैं वही रॉक्स यहाँ पे मिल रहे हैं, वही जो रॉक्स यहाँ पे मिल रहे हैं वही रॉक्स यहाँ पे मिल रहे हैं. साउथ अमेरिका और अफ्रीका के रॉक्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो कभी साथ रहे होंगे. नेक्स्ट आपका पेलियो क्लाइमेट. पेलियो क्लाइमेट मीन्स, पेलियो मीन्स हिस्ट्री, हिस्टोरिकल टाइम पे जो क्लाइमेट था उसके एविडेंसेस हमें मिले हैं जो कि ये बताता है कि जो नॉर्थ में जैसा क्लाइमेट है वैसे ही हमारा साउथ में भी क्लाइमेट है. ओके, तो मतलब कि कभी ना कभी ये लैंड्स जो है वो साथ में रहे होंगे, इसीलिए वहां के जो क्लाइमेटिक रिमेन्स है वो हमें सही मिल रहे हैं. पेलियो क्लाइमेट के जो एविडेंसेस है वो हमें सेम मिल रहे हैं. ओके, तो ये है हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके फेवर में ये आर्ग्यूमेंट्स. बट इसको क्रिटिसाइज किया गया इस थ्योरी को, और क्रिटिक्स ने ये बोला कि इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, मतलब मान लिया हमने कि ये थ्योरी ठीक है, मान लिया हमने कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अपार्ट हुए हैं या ड्रिफ्ट हुए हैं, पहले कभी साथ में रहेंगे, बट अपार्ट होने के या ड्रिफ्ट होने के कोई रीजन होते हैं, ये इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या था, क्यों ये लैंडफॉर्म्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किए. तो इसके पीछे जो हमारा ड्राइविंग फोर्स था वो वेग्नर सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए. और इन्होंने बोला कि मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से ये ड्रिफ्ट हुए हैं, जो कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने रिफ्यूट किया. और फिर बाद में आई बहुत सारी ऐसी थ्योरीज जिनको ने ये बताया कि कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट किन वजह से हो सकता है, जिसमें से एक था ये
convection current hypothesis. अब कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो मेंटल या मतलब अर्थ के इंटीरियर से कुछ करंट्स ऐसे अबव उठते हैं और ये इस डायरेक्शन में या ऐसे करके मूव करते हैं और ये हमारी क्रस्ट को भी मूव कराते हैं, मतलब ये करंट्स ऐसे चलते हैं और ऐसे करके अर्थ को मूव कराते हैं, अर्थ की क्रस्ट को. तो हम ये कह सकते हैं इनकी वजह से ये दिस मे बी अ ड्राइविंग फोर्स फॉर कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ओके, ये दिया था आर्थर होम्स ने. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक बुक लिखी थी अलेक्जेंडर ड्यूटॉट ने, आर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स. नेक्स्ट ये पेलियो मैग्नेटिज्म, इन 1950 में ये कॉन्सेप्ट आया था. अकॉर्डिंग टू इट रॉक्स में कुछ मैग्नेटिज्म होता है और उन रॉक्स के मैग्नेटिज्म और अलाइनमेंट से हमें ये पता चलता है कि कौन सी रॉक्स कहाँ पर किस लैटिट्यूड में पाई जाती है. अगर रॉक्स का अलाइनमेंट ऐसे है तो वो इक्वेटर के पास पाई जाती है, अगर रॉक्स का अलाइनमेंट ऐसे है तो वो मिड लैटिट्यूड में पाई जाती है, और अगर रॉक्स का अलाइनमेंट ऐसे है तो वो पोल्स के पास पाई जाती है. ओके, तो ये हो गया पेलियो मैग्नेटिज्म. नेक्स्ट है आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग. दिस वन इज अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज ये अक्सर क्या आ जाता है नेक्स्ट में. सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस ने दिया था. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसने दिया था और इसमें क्या है. सी फ्लोर स्प्रेडिंग मीन्स कि जो हमारे सी का जो फ्लोर है वो धीरे धीरे करके एक्सपैंड हो रहा है, मीन्स ऐसे करके. वाई? बिकॉज अंदर से कुछ लावा जेनरेट होता है और वो बाहर आता है, तो ऐसे करके ये धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है और जो हमारे यहाँ पर जो लावा है वो न्यूअर होता है और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारा वो ओल्डर होता जाता है. तो ये है आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कैसे सी का फ्लोर कैसे स्प्रेड हो रहा है या अपार्ट हो रहा है. तो हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इस थ्योरी और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं. लेट्स हैव अ लुक. ओके, तो हमने ये देखा कि क्वेश्चंस में कि कैसे 2018 में जो क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना प्लेज अ वाइटल रोल इन डिस्पर्जन ऑफ मेजेस्टिक डायनोसोरस. तो डायनोसोरस का इन्होंने बताया, दैट मीन्स वो फॉसिल से रिलेटेड है. और फॉसिल्स हमें किस थ्योरी में बताया गया है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में. तो आंसर हमारा होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ओके, नेक्स्ट आपका 2017 में क्वेश्चन आया है मैच द फॉलोइंग, जिसमें से आपको अगर ये पता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसकी थ्योरी है तो आप उस मैच द फॉलोइंग को कर लेंगे. और नेक्स्ट जो और सारी चीजें हैं उसमें वो हम नेक्स्ट आगे थ्योरीज में पढ़ेंगे. नेक्स्ट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूस्टेटिक लेवल से, यूस्टेटिक सी लेवल से. अब अगर हमें अगर हम उनके ऑप्शन देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से वो क्वेश्चन नहीं रिलेटेड है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग से वो क्वेश्चन नहीं रिलेटेड है, अल्पाइन ओरिजिनी हम आगे पढ़ेंगे, ओरिजिनी इज रिलेटेड टू माउंटेन बिल्डिंग, तो वो उस क्वेश्चन से भी रिलेटेड नहीं है. तो हम क्वेश्चंस को ऐसे, अगर हमें एक थ्योरी पता है या कुछ थ्योरीज के नेम्स पता है तो हम क्वेश्चंस के जो आपके ऑप्शंस हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, जियोमेट्रिक पार्ट एंड काइनेमेटिक पार्ट. ज्योमेट्रिक पार्ट इज मेनली डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसमें कि तीन चीजें बताई गई हैं, मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स एंड सब प्लेट्स. ओके, मेजर प्लेट्स है आपकी यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रल इंडियन प्लेट, देन आपका पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट. देन आपके माइनर प्लेट्स हैं 12 एंड मेजर प्लेट्स सब प्लेट्स होती हैं वो प्लेट्स जिनकी तीन साइड्स तो मतलब डिफाइंड है बट एक साइड बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है. मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेट का चारों साइज हमें नहीं पूरी तरीके से डिफाइंड है.
ओके नेक्स्ट आता है काइनामेटिक पार्ट. काइनामेटिक पार्ट में हमें तीन बाउंड्रीज के बारे में बताया जाता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ओके डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, जैसे कि ये दो प्लेट्स और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो क्या होगा, ये धीरे धीरे करके एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएगी, दूर चली जाएगी. तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री. अब क्योंकि ये दूर जा रही है तो बीच में गैप होगा और इस गैप को फिल करने के लिए अर्थ के अंदर से कुछ मटीरियल बाहर आएगा, इसलिए इसको हम कंस्ट्रक्टिव प्ले बाउंड्री कहते हैं. Why? Because यहाँ पे अर्थ फॉर्म हो रही है. ओके नेक्स्ट है आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ये दो प्लेट्स हैं, ये दोनों एक ही साइड में, मतलब इनका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सेम है, तो ये एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है ये एक दिन ओवरलैप हो जाएगी और ओवरलैप होने के बाद ये एक दूसरे पे ऐसा करके ओवरलैप हो जाएंगी एंड देन एक प्लेट नीचे चली जाएगी और एक प्लेट इसके ऊपर आ जाएगी. दिस में बी ऑपोजिट ऑल्सो, ये वाली प्लेट नीचे जाए और ये वाली प्लेट ऊपर आ जाए. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, प्लेट जो है वो एक दूसरे के अंदर जा रही है, तो यहाँ पे ये इसीलिए इसको हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं. ओके नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री. ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में कुछ भी डिस्ट्रक्ट नहीं होता है, कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं होता है और ये ना ही तो अपार्ट जाती है ना ही तो सेम डायरेक्शन में होती है, ये सिर्फ मूव करती है एक, जैसे कि ये मूवमेंट है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है और सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है. ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में ऐसा है कि ये दो प्लेट्स है और ये सिर्फ ऐसे स्लाइड पास्ट हो गए. ओके तो ये जब ऐसे स्लाइड पास्ट होती है तब ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहलाती है, बट हमने यहाँ पे जैसे कि बिल्कुल स्मूथ लाइन बनाया है, ये ऐसे नहीं होती है, थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, थोड़ा सा मतलब जिगजैग होती है, इसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है और इस फ्रिक्शन की वजह से मैसिव अर्थक्वेक्स आते हैं. ठीक है, ट्यूमर्स जनरेट होते हैं, तो मेनली जो अर्थक्वेक्स है वो या तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के पास होते हैं या तो फिर कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज के पास होते हैं, बिकॉज ये एक दूसरे से टकराती है. ओके तो ये हो गया आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने के लिए. जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं कि एक जो क्वेश्चन आया है कि प्लेट्स के नेम दे दिया गया और उसका मूवमेंट पूछा गया कि किस डायरेक्शन में वो मूव करती है. ओके तो ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड अदर थ्योरीज ऑफ स्लोप एवोल्यूशन. सो जस्ट स्टे विद अस एंड लाइक आवर वीडियोस, सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.